नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल एग्जाम लेक्चर विद गोविंद में आप सभी का भरपूर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। सबसे पहले तो हम चर्चा करेंगे शरणार्थी दिवस के बारे में, साथ में हम जानेंगे कि शरणार्थी कौन होते हैं, शरणार्थी के बारे में भी। चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं विश्व शरणार्थी दिवस। सबसे पहले जान लेते हैं विश्व शरणार्थी दिवस के बारे में। तो दुनिया भर में शरणार्थियों को सम्मानित करने के लिए 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। प्रति वर्ष यूएन के द्वारा जो है 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा मनाया जाता है। अगर हम बात करें इसके शुरुआत के बारे में कि शुरुआत कब से हुई, तो पहली बार विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून 2001 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 20 जून 2001 को। पहली बार 20 जून 2001 को यूएन के द्वारा विश्व शरणार्थी दिवस मनाया गया था, और उसके बाद कंटिन्यू प्रति वर्ष 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं कि शरणार्थी कौन है। तो शरणार्थी के बारे में हम जान लेते हैं। सबसे पहले, अब शरणार्थी का अभिप्राय ऐसे व्यक्ति से होता है जिससे उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण उसके देश से भागने के लिए मजबूर किया गया है। यानी ये ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने देश से उत्पीड़न, युद्ध या हिंसा के कारण अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर होते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि भारत और पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था, जो बांग्लादेश का एक नवनिर्माण गठित किया गया था देश, तो उस वक्त जब पाकिस्तान के द्वारा बांग्लादेश में, जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जानते थे, उसमें जब हिंसा अत्यधिक बढ़ गई थी, अत्यधिक हिंसा बढ़ाई गई थी पाकिस्तान के द्वारा, तो वहाँ के जो लोग हैं, काफ़ी संख्या में लोग जो है भारत में विस्थापित होने के लिए आ गए थे। भारत की सीमा में हम उन्हीं व्यक्ति को कहते हैं शरणार्थी। इसी के कारण फिर भारत ने दखल दिया था और उसका नवनिर्माण बांग्लादेश को गठित किया था, और उसी को कहते हैं शरणार्थी। यानी जब कोई व्यक्ति किसी देश के अंदर युद्ध या हिंसा के कारण या किसी उत्पीड़न के कारण अपने देश छोड़ने के लिए मजबूर होता है, तो हम उस व्यक्ति को कहते हैं शरणार्थी, जब वो किसी और देश में जाके बसता है। शरणार्थियों में नस्ल, धर्म, राष्ट्रीयता, राजनीतिक रोय या विशिष्ट समूह की सदस्यता के कारण उत्पीड़न का भय होता है। शरणार्थी दिवस बनाने का अगर महत्व के बारे में बात करें, तो संयुक्त राष्ट्र के आंकड़ों के अनुसार आतंक, युद्ध और संघर्ष से बचने के लिए हर एक मिनट में 20 लोग, बहुत बड़ी संख्या है, एक मिनट में 20 लोग अपने घर से भागने में मजबूर हैं। हर एक मिनट में जो व्यक्ति हैं आतंक, युद्ध और संघर्ष से बचने के लिए 20 लोग अपने घर छोड़ने के लिए मजबूर हैं, घर से भागने के लिए मजबूर हैं। 2019 के अंत तक दुनिया में जबरन विस्थापित होने वाले लोगों की अनुमानित संख्या जो है लगभग 79.5 मिलियन है। 79.5 मिलियन, सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है। यानी इतने लोग विस्थापित हो गए हैं, अपने देश छोड़ के किसी अन्य देश में जाके विस्थापित हुए, 79.5 मिलियन लोगों की संख्या है। अब अगर हम बात करें 2019 संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अनुसार, दुनिया भर में 68% जो शरणार्थी निकलते हैं सीरिया से आए थे, 68% सीरिया से आए थे। कम से कम लगभग 67 लाख शरणार्थी की संख्या थी, 67 लाख शरणार्थियों जो थे वो सीरिया से आए थे, अन्य देशों में बसे थे। उसके बाद दूसरे नंबर पे वेंजुला है, उसके बाद अफगानिस्तान है, दक्षिण सूडान है, म्यांमार है, इन देशों से भी जो है वो शरणार्थी आते रहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं शरणार्थी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को। तो शरणार्थी दिवस मनाने का जो मेन उद्देश्य है, इसमें यह है यूएन के द्वारा कि सभी शरणार्थियों को एक विशिष्ट पहचान मिले, उन्हें यह दिखलाया जाए कि वह सिर्फ जीवित नहीं रहेंगे, बल्कि वो अपने अधिकारों, अपने सपनों को भी पूरा करेंगे। यूएन के द्वारा ये उद्देश्य है विश्व शरणार्थी दिवस मनाने के। अगर हम बात करें विश्व शरणार्थी दिवस शुरुआत 2001 से हुई थी, 20 जून 2001 से, और प्रति वर्ष उसके बाद 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस यूएन के द्वारा मनाया जाता है। उद्देश्य शरणार्थियों के उत्तम जीवन, उनके अधिकारों के संरक्षण और उनके जीवन को और सकुशल बनाने के लिए। तो इसी के साथ
वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।